मांगे हैं जो रेगुलर कॉलेज की SOL की मांगे हैं। प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। DU द्वारा मेरे ऊपर कमेटी बैठाई गई। एक टाइम था जब परीक्षाएं ऑफलाइन हुआ करती थीं, लेकिन कोविड के कहर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब इसे क्रांति कहें या फिर समय से समझौता, खैर इसका अनुमान आप लगाते रहिए, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी तो नहीं हो सकती। लेकिन इन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र खासे नाराज चल रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऑफलाइन परीक्षा नहीं भा रही है और ये परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में कराने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर इन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बना लिया है कि कॉलेज परिसर में पढ़ाई की उम्र में छात्र प्रदर्शन करते आपको नजर आ जाएंगे। अब वही प्रशासन भी पीछे कहां रहने वाला था। आओ देखा ना ताओ और लगा दिया धारा 144। लेकिन छात्र भी कहां मानने वाले थे, प्रदर्शन अभी भी जारी है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि छात्र ऑनलाइन के लिए बेकरार हैं। तो आपको बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने छठे सेमेस्टर की परीक्षा ऑफलाइन तरीके से कराने की घोषणा की है, लेकिन छात्रों का कहना है कि यदि उनके पाठ्यक्रम का 60-70% ऑनलाइन मोड में पूरा किया गया था तो उन्हें ऑफलाइन परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है। ऑनलाइन एग्जाम की क्लासेस ना लगने की ये सारी मांगों के खिलाफ जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे आर्ट फैकल्टी पर, तो यही दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली पुलिस के साथ में हमारे कैंपस में घुसकर स्टूडेंट के साथ बदतमीजी करी, मारपीट करी, जाली मुकदमे करे, हमें डिटेन करा। तो क्या कैंपस में पुलिस के आने का, छात्रों के साथ बदसलूकी करने का कोई क्या अधिकार है इनको? हमारी बातें सुन ले अगर ये, तो ये प्रदर्शन की नौबत ना आए। और ये कहते हैं कि हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसके लिए धारा 144 लगा देंगे। क्या छात्रों से इतना ज्यादा खौफ है इस दिल्ली विश्वविद्यालय? अभी तो हम 144 के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, पर बात ये है कि हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सारी मांगे हैं। एक दोहरी शिक्षा नीति चल रही है, हाल फिलहाल में ये NEP, FIUP, CUET ये सब भी ले आए हैं। बहुत लंबा संघर्ष रहा है छात्रों का कैंपस खुलवाने से लेकर SOL के स्टूडेंट्स की क्लासेस लगवाने तक, और अब उनके एग्जाम, उनके स्टडी मटेरियल, इन सारी बातों को लेकर हम अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बहुत सारे प्रदर्शनों से जुड़े रहे हैं और आगे ये हमारी बात नहीं मानेंगे, तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और अगर ये मुद्दा भी निपट जाए, इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम है, ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय का सिस्टम है, इसमें खामियां नहीं है। अभी ये लोग जो दोहरी शिक्षा नीति करते हैं कि जो एक चंद मेरिट के बच्चों को ये ले आते हैं रेगुलर कॉलेजेस में कुछ चंद सीटों पर, पूरी NEP में नए कॉलेज खोलने की बात नहीं करी है, उल्टा और लोगों को धकेलने की। ये जो इनका ये दबे शब्दों में ये जो प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की नीतियां ला रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे एक बड़ा तबका जो छात्रों का है, जो हर साल SOL में जो 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख स्टूडेंट एडमिशन लेता है, वो सारे और स्टूडेंट भारी मात्रा में SOL में दाखिला लेंगे। दिव्यांशु सिंह यादव, मुझे हर प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। DU द्वारा मेरे ऊपर कमेटी बैठाई गई, मेरे ऊपर हर प्रकार का राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, मेरे फैमिली को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। आज मेरे ऊपर FIR करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई, ये सब अंत हो गया है। इन सब के बाद भी अगर DU OBE नहीं करता तो 9 तारीख को हम अपनी जान इसी स्टैचू के सामने गंवा देंगे।